डाल दूंगा भाई, यहीं पे रहा हूँ मैं। मार अब्दुल्ला घोट, अली मार घोट, ऐसे घोट ले अली मार यार, आंगड़ शरीफ डिस्ट्रिक्ट भक्ति। ये मीरपुर आपका गांव है ना, तहसील है मीरपुर, अच्छा जिला घोट क्यों होगा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मीरपुर से निकले हैं क्योंकि हम घोटकी में एक दोस्त मिल गया है जो जिनका नाम लतीफ़ भाई है, वो अपने गांव ले गए और रात हमने वहां स्टे की, तो उन्होंने मुझे सुबह मीरपुर छोड़ दिया। हम मीरपुर से शुरू किया, मीरपुर से इंशाल्लाह ढेरकी तक या उससे आगे जाना हुआ तो इंशाल्लाह, वरना जहाँ स्टे मिल गई तो वहीं रहेंगे, क्योंकि ढेरकी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 13 से 14 किलोमीटर है। तो हम देखेंगे अगर ढेरकी से उबारो मिल जाती है जगह तो इंशाल्लाह, वरना ढेरकी सही, क्योंकि सुबह जब लेट निकले हैं। उनका गांव है मार अब्दुल्ला घोट, मार अली घोट, वहाँ हमने रात गुजारी लतीफ़ भाई के घर, वहाँ मेरी बहुत खिदमत की, थैंक यू लतीफ़ भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और उनके दोस्त इमरान भाई थैंक यू। फिर हम आज हमने वहीं से शुरू किया है मीरपुर से, हमने मुझे सुबह मीरपुर छोड़ा, फिर हमने मीरपुर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। हम निकले हैं मीरपुर से, घोटकी से नहीं निकले, मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि हम लतीफ़ भाई के गांव गए, उन्होंने हमें जगा दी रहने को अपने गांव में, अपने घर में, तो हम रात उनके घर गुजारी और सुबह उन्होंने मुझे मीरपुर छोड़ा। तो हम आज मीरपुर से चले हैं ढेरकी या उबारो तक, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उबारो तक जाएं, क्योंकि 7 के बाद का सफ़र कम से कम रहे। तो हम अभी मीरपुर से निकले हुए 1.5 घंटा, इंशाल्लाह मज़ीद डेढ़ या 2 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे ढेरकी तक। तो अभी दिन के 9:30 बज रही होंगी, हम हाईवे से ही जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद 2 घंटे तक हम ठहर के पहुंच जाएंगे, तो आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ इंशाल्लाह आगे तक जाएं, और वो इसलिए कि 7 के बाद का सफ़र ढेर किससे थोड़ा ज़्यादा है, तो हम उबारो तक जाएं शायद इंशाल्लाह, और फिर उबारो से 7 के बाद कल का सफ़र करेंगे। आज हम मीरपुर से निकले हैं, 1.5 घंटा हो गया, तो इंशाल्लाह अब दुआ करें खैर खैरियत से पहुंच जाएं, और आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें। ये हाईवे है तो हम हाईवे से ही जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हाफिज़। हम पहुंच गए हैं ढेरकी, 3 किलोमीटर आता है, 3 से 4 किलोमीटर।
हमें निकले हुए 2.5 घंटे हो गए। इंशाल्लाह अभी टाइम है तो हम इंशाल्लाह आगे उबारो तक जाएंगे, तो क्योंकि हम मीरपुर से निकले हैं घोटकी से नहीं, इसलिए वहाँ से थोड़ी बचत होगी, कोई 10-12 किलोमीटर। इंशाल्लाह बारों तक जाएंगे आज इंशाल्लाह, क्योंकि 7 के बाद का सफ़र ढेर की से बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। दिन के 10:30 बज रहे हैं और हम ढेर की पहुँच गए हैं, तो मेरे ख्याल से हमें और मौका मिल जाएगा आगे उबारों तक जाने का, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया उबारों तक, ताकि कल कम से कम सफ़र बने 7 के बाद। देर के हम शहर में पहुंच गए, बस थोड़ी देर है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाक फोर्सेस के लिए, आर्मी, रेंजर्स, एफसी, कोई भी इदारा हो पाकिस्तान जो हमारे लिए जाने कुर्बान करती है, हमारे लिए कुर्बानियां देती है, उन सब के लिए निकला हूँ, उन सब की कुर्बानी को लिए निकला हूँ, उन सब को सलूट, उन सब को शुक्रिया अदा करने के लिए निकला हूँ। आप लोगों की दुआ है इंशाल्लाह कराची से खुंजराब तक, जो आज हम 17 दिन हो गए हैं और हम ढेर की पहुँचे हैं, सिंध ढेर की उबारों को हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाक फोर्सेस के लिए, उनको सल्यूट पेश करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आज 17वां दिन है, हम मीरपुर से निकले हैं, उबारों तक जाएंगे इंशाल्लाह। अभी डेरकी से निकले हैं, डेरकी शहर, तो अभी उबारो है कोई 10-12 किलोमीटर, तो इंशाल्लाह आज वहाँ ही रुकेंगे, फिर 7 के बाद 11 बज रहे हैं दिन के 11:15, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, दुआ करते रहना, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फौज के लिए, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए, उन सब के लिए जो हमारे लिए जाने कुर्बान करती हैं, और आज 17वां दिन है, तो हम मीरपुर से उबारों तक जाएंगे। अभी हम देहरादून से निकले हैं तो उबारों की तरफ जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, हमारे पास ये सामान है इंशाल्लाह। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, उन सब पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है जो पाकिस्तान फौज के ऊपर फ़ख्र करते हैं। हमारे पास पाक फौज है, आर्मी, रेंजर्स है, एफसी है, उन सब का शुक्रिया, उन सब माओं का शुक्रिया जो हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, जो अपने बेटे हमारे लिए कुर्बान करते हैं, जो अपने लाल, अपने जवान बेटे हमारे लिए, हम उनको जानते नहीं हैं ना वो हमें जानते हैं, तो उन सबको मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं निकला हूँ कराची से, इंशाल्लाह खुंजराब तक जाऊँगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए, उन सब के लिए जो हमारे लिए जाने कुर्बान करती हैं, करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए, मैं उन सबको सलूट पेश करता हूँ। मेरे लिए इससे और कोई तरीका नहीं था जिनको मैं उनको शुक्रिया अदा करूँ, तो मेरे लिए यही तरीका है, तो शुक्रिया उन सब का, आपको जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फौज के लिए, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए, आज 17वां दिन है, हम कराची से निकले हैं और खुंजराब तक जाएंगे, और अभी हम मीरपुर से निकले हैं उबारों तक जाएंगे इंशाल्लाह, जो कोई 32-33 किलोमीटर बनता है ऐसे ही। अभी उबारों है कोई 10 किलोमीटर यहाँ से। हम चले हैं मीरपुर से
उबारो तक इंशाल्लाह, और उबारो है कोई 3-4 किलोमीटर होगा, हम घंटे तक पहुंच जाएंगे। हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फ़ौज के लिए, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए, चाहे वो जो भी हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एफसी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, उन सबको सलूट, उन सबको शुक्रिया अदा करने के लिए हमें सपोर्ट करें। आपकी दुआओं से हम कराची से खुंजरा तक जाएंगे इंशाल्लाह। आज 17 दिन हो गए हैं और हम मीरपुर से निकले हैं, उबारो तक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए, और हम मीरपुर से निकले हैं, अभी उबारो तक जाएंगे इंशाल्लाह। 12 बज रही है दिन के, अभी ढेरकी से निकले हैं पीछे। आज के दिन से शुरू किया हमने मीरपुर से, अभी ढेरकी हम पीछे छोड़ के आए हैं, 1 घंटा हो गया। इंशाल्लाह हम आज उबारो तक जाएंगे और यहाँ थोड़ा आराम करेंगे। मैं पाकिस्तान फोर्सेस को शुक्रिया अदा करने के लिए निकला हूँ, पाकिस्तान पीसफुल पाकिस्तान के लिए निकला हूँ अकेला हूँ, और कराची से खुंजराब तक मेरा सफ़र है पैदल। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेंगे, और सब लोग दुआ करें इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था शुक्रिया अदा करने का, तो बस यही मैं चाहता हूँ, अपनी पाक फौज उन माओं को सलाम पेश करूँ, शुक्रिया अदा करूँ उन बहनों को, उन बेटों को। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फौज। अस्सलाम वालेकुम, हम पहुँचे हैं अभी उबारो, अभी 1 किलोमीटर है। तो अभी हमारी मुलाकात हुई थी लतीफ़ भाई से, उनका शुक्रिया, उन खिदमत की मेरी अच्छी, रात हम उनके घर रहे, वो लाहौर गए हुए थे, तो हमारी उनसे रास्ते में मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया। थैंक यू लतीफ़ भाई, मार लतीफ़ भाई, थैंक यू हयाज भाई जो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। बस आज हम दिन के 2:30 बज रहे हैं, जो हम पहुँचेंगे 3 बजे तक पहुँच जाएंगे हम उबारो तक शहर में। आज हम यहीं स्टे करेंगे, सुबह 8 बजे निकले थे, तो इंशाल्लाह फिर कल हम 7 के बाद तक। गाँव में याद रखना, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाक फौज को शुक्रिया अदा करने के लिए, पाक फोर्सेस को, चाहे वो आर्मी हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो भी हो। आज 17 दिन है, हम मीरपुर से उबारो तक जाएंगे, जो उबारो आ गया हम पहुंच गए। इंशाल्लाह आज हम यहीं रुकेंगे और आगे फिर सुबह 7 के बाद तक इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।